वॉचो ऐप पे देखो एक ओटीटी के दाम पे सारे ओटीटी शांस। कुलदीप यादव ने अब मोहम्मद सिराज की वापसी को मुश्किल कर दिया है। हाँ, क्योंकि बीच के ओवर में एक मैच विनिंग बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर जरूरत है भारत के लिए, और ये कुलदीप यादव जरूर वो कर रहे हैं और आज बहुत बढ़िया डाले। ऋषभ पंत भले रिवर्स स्वीपर आउट हो गए लेकिन वो शॉट ऑन था। हाँ, क्योंकि ऋषभ पंत वैसे ही खेलते हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी कभी रिवर्स स्वीप नहीं खेलते हैं, लेकिन आज जितना फ्लो में लय में थे तो वो प्री मेडिटेटेड था, लेकिन शॉट तो ऑन था। रिशाद हुसैन को अपनी गुगली पर काम करने की जरूरत है। हाँ, अभी वो 21 साल के हैं, कंप्लीट बॉलर नहीं है, लेकिन बहुत इंप्रेसिव रहे हैं लेग स्पिन, अगर वो गुगली भी ऐड कर देते हैं और डेंजरस हो सकते। हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार हैं। हाँ, अगर बॉलिंग की देखें, हार्दिक पांड्या बहुत लय में है और बैटिंग आज बहुत बढ़िया खेले, ऐसे ही खेलते रहेंगे और भारत अगर फाइनल्स तक पहुंच के और जीतते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन बहुत रहेगा और कुड बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। शिवम दुबे की पारी बड़ी नहीं थी लेकिन इम्पैक्ट काफी बड़ा था। हाँ, क्योंकि शिवम दुबे की शुरुआत थोड़ा वो संभाल के खेले थे लेकिन मेकअप किया, वो फेज जहाँ पे वो खेल रहे थे अगर वो आउट हो जाते तो फिर थोड़ा दबाव रहता बैटिंग, इंडियन बैटिंग के ऊपर, लेकिन बहुत बढ़िया खेले और अच्छे साझेदारी थी ऋषभ पंत के साथ शुरू में और हार्दिक पांड्या बाद। रविंद्र जडेजा अब तक इस भारतीय 11 के सबसे कमजोर कड़ी दिख रहे हैं। ना, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी योगदान आएगा, अब तक आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस जरूर आएगा बाकी मैचेस में। वॉचो ऐप पे देखो एक ओटीटी के दाम पे सारे ओटीटी शांस। वॉचो